मानसा जिले की अनुसूचित जाति पिछड़ी जातियों या समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 2653 लड़कियां शादी के समय पंजाब सरकार से आशीर्वाद स्कीम के तहत मिलने वाले 21,000 रुपए के शगुन का इंतजार कर रही हैं, लेकिन साल भर से ज्यादा समय बीतने के बाद भी इनको शगुन स्कीम आशीर्वाद नहीं मिल पाया। अब इन लड़कियों के परिवार वालों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द आशीर्वाद की राशि जारी करे। वहीं भलाई विभाग के अधिकारी कहते हैं कि उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है, वो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पैसा भेजेंगे। कुड़ी ने लोहड़ी वेले बेटे की शादी सी ते उन्हें सन साल होने वाला हो गया से बहुत भकाई कर ली ते अजे तक उन्हें चेक किसी पासों मिले नहीं मिस सगन स्कीम वास्ते हरी शादी वास्ते थोड़े दिन बाद ही भर गए सी ते साल हो गया सन तरह करते हैं। 2019-20 दे विच 1871 दरखास्तां पेंडिंग है जिहड़ियां कि साढ़े दफ्तर वालों मुख्य दफ्तर नूं पेमेंट वास्ते भेजियां जा चुकियां। उस तो अलावा 2020-21 782 दरखास्तां अक्तूबर 2020 तक पेंडिंग है तो जिहड़ियां कि वह भी मुख्य दफ्तर नूं भेजियां जा चुकियां जिन्हां दी कि पेमेंट ऑनलाइन ही बेनीफिशियल दे खाते विच पहुंचा रही। सागण स्कीम दे फार्म भरे सीगे जी 1.5 साल वांगू हो गया सानूं भरिआं नूं ते मतलब कि सानूं कोई मदद नहीं मिली हैगी। बेटा नहीं हैगा मेरा, 2 बेटियां जी ते कोई सानू असी जाने मुड़े आने कोई सानू नहीं उत्थों सहायता मिलती हैगी किसी भी किस्म की। सरकारी इन्निया सहूलत चल रही सानू कोई भी नहीं मिलती हैगी। दफ्तर वाले कह देंगे ने परची लियाओ, परची भी ले जाने जी सानू कोई उत्थों कोई राह नहीं मिलता है। साल हो गया जी शादी हुई नू, महीना पहला देता अपलाई करता जी हजे तक मिली नहीं। दफ्तर वाले बैंक च गए सी, बैंक वाले कहिंदे भी हजे आई नहीं, दफ्तर च किसी नू आपां जाणदे नहीं जी, भी जिहड़ी सगन स्कीम दिंदे ने उह दे देण जी, यही मंग है जी, होर तां की है।